कानपुर साबरमती एक्सप्रेस और उसके बाद कालिंद्री एक्सप्रेस को डिरेल करने की नाकाम साजिश के बाद पुलिस प्रशासन और रेलवे अधिकारी सक्रिय हुए हैं। रेलवे ट्रैक के आसपास रहने वाले और रेलवे ट्रैक की स्थिति को जानने के लिए निरीक्षण करने के लिए पुलिस कमिश्नर और DRM ने संयुक्त रूप से मंधरा से शुक्लागंज तक रेलवे ट्रैक का निरीक्षण किया। DRM हिमांशु बडोनी और कानपुर पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार ने संयुक्त रूप से रेलवे ट्रैक का निरीक्षण किया। रेलवे के अन्य अधिकारी पुलिस अधिकारी के साथ मंधरा से लेकर गंगा घाट तक रेलवे ट्रैक का बारीकी से जांच की। रेलवे ट्रैक के पास रहने वाले और अवैध बस्तियां जो बसी हैं, उनके बारे में जानकारी जुटाई। ट्रेन को लगातार डिरेल करने की साजिश की जा रही है, जिस कारण जांच एजेंसी के साथ साथ पुलिस के आला अधिकारी रेलवे के अधिकारी अब किसी तरह की चूक नहीं चाहते हैं। इसलिए हर उस पहलू पर नजर रखी जा रही है, जिससे कि भविष्य में किसी घटना को पहले ही रोका जा सके। DRM हिमांशु बडोनी ने बताया कि रेलवे की व्यवस्था और बेहतर की जा सके, किसी भी घटना को पहले रोका जा सके, जो घटनाएं हुई हैं उसका जल्द खुलासा किया जा सके, रेलवे ट्रैक के आसपास बसी अवैध बस्तियों को चिन्हित कर खाली कराया जा सके। साथ ही पुलिस कमिश्नर ने बताया कि जो घटना हुई है उस पर लगातार जांच की जा रही है और जल्द घटना का खुलासा किया जाएगा। रेलवे से समन्वय बनाकर काम किया जाएगा, जिससे कि भविष्य में किसी भी घटना की पुनरावृत्ति ना हो सके। आरटीआई न्यूज 24 के लिए सूरज कश्यप की रिपोर्ट। देखिए, ये एक बेसिकली सीपी साहब की और अभी आपको कुछ दिन पहले पता होगा कि DGP साहब की अध्यक्षता में एक मीटिंग भी हुई थी, उनके ऊपर बेहद चर्चा हुई थी। उसी के क्रम में जो कानपुर एरिया, उसको काफ़ी सेंसिटिव मानते हुए आपने देखा होगा कि जो रेलवे का ट्रैक है उसके दोनों तरफ काफ़ी इन्फोर्समेंट्स वगैरह हैं, जिससे हमेशा ये आशंका बनी रहती है कि किसी भी प्रकार की कोई मिस ट्रेंड एक्टिविटी या कोई भी अपने घटनाओं की संभावना को ज़्यादा प्रोवोकल होती है। तो उसी के कनेक्शन में हमने जॉइंटली एक टीम बिल्डिंग एक्सरसाइजेस भी आप इसे कह सकते हैं और एक रिकग्निशन सर्वे भी आप इसे कह सकते हैं कि सब लोगों ने मिलके इसमें सिविल पुलिस, GRP, RPF और रेलवे का पूरा प्रशासन, हम लोग सभी लोगों ने जॉइंटली पूरे एरिया का मुआयना किया और रेलवे ट्रैक पे पूरे जो कानपुर क्षेत्र है उसको चारों तरफ से हम लोगों ने देखा कि उसमें क्या क्या प्रोबेबिलिटी, इनफैक्ट नॉट ओनली प्रयागराज डिवीजन बल्कि जो एडजेसेंट झांसी डिवीजन है, अजीत नगर डिवीजन है और जो लखनऊ डिवीजन है उसके रिप्रेजेंटेटिव भी साथ में थे, तो पूरे एरिया को देखा और क्या क्या चीज़ें हैं उसके ऊपर अभी जो भी चीज़ें कहना, कुछ भी कहना प्रीमेच्योर होगा क्योंकि इसके बाद फॉलो अप मीटिंग होगी। अभी आज कमिश्नर साहब की अध्यक्षता में भी एक मीटिंग होनी है जिसमें लैंड के बारे में और जो इंक्रोचमेंट्स के बारे में है उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और ये हम लोगों का सबका जॉइंट वो है कि हम लोगों को इस तरीके की जो भी एक्टिविटीज़ हैं उस तरीके की एक्टिविटीज़ को तेज़ी के साथ में अंदर चलाना, बाकी ज़्यादा सर वो चीज़ें इस हिसाब से तो अभी बात करनी ही है। पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन की थी, जो हम लोगों ने नेकेड आई से देखी, वो कहीं भी इस्टेब्लिश नहीं कर रहा है कि वो सैबोटेज या ट्रैक पर भी मारा गया था। उसके बाद ये जांच के विषय है जी, और जब तक जांच पूरी हो के कुछ कंक्लूजन मिलते नहीं है जी, उसके बारे में कोई भी निर्णय करना उचित नहीं होगा। ये मामले वैसे भी दोनों मामले एक झांसी डिवीजन से संबंधित है, दूसरा अजीत नगर डिवीजन से संबंधित है और पुलिस उस पर कार्रवाई कर रही है। जब वो जाँच रिपोर्ट सौंप देंगे तब तक जो भी चीज़ है वो एक हियर से ही माना जाएगा, क्योंकि जब तक ऑथेंटिक रिपोर्ट नहीं आती है। आपसे जोन से रिपोर्ट्स मांगी गई हैं, लेकिन उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ट्रैक मेंटेनेंस करने वाली मशीनों का उनकी मेंटेनेंस चाहिए और सेफ्टी स्टाफ है। जो कोई भी चीज़ होती है उसको बहुत आप ब्रॉड टर्म्स में कह रहे हैं कि आउटसोर्स करने जाए। एक्चुअली रेलवे की जो ट्रैक की मेंटेनेंस है वो कई तरीके से होती है, आप उसको मतलब मल्टीपल लेयर्स में, एक तो शॉर्ट टर्म मेंटेनेंस है जो रेगुलर पे जो हम लोग डे टू डे मेंटेनेंस जिसको कह रहे हैं, एक होती है मीडियम टर्म मेंटेनेंस, एक होती है लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस, तो जिसको हम कहते हैं रिन्यूअल एक्टिविटीज। तो इसके अभी भी काफ़ी पार्ट्स जो हैं, कुछ पार्ट्स हम लोग आउटसोर्स करके करते हैं, जैसे पार्ट मशीन जैसे हमारी अपनी है और जो लेबर है वो आउटसोर्स गया है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ये मिक्स एंड मैच करके चीज़ें चलती हैं। जो एक्टिविटी है मतलब इतना डिटेल में तो अभी जगह बताना संभव नहीं हो पाएगा, तो ये सारी चीज़ें तो प्रयागराज डिवीजन में जो मेनली जो ट्रैक की मेंटेनेंस है बहुत ही ज़्यादा वर्ल्ड की है
और इंडियन रेलवे का जो वन ऑफ दी बेस्ट मेंटेन्ड ट्रैक्स है जिसमें हाई टीजीआई ट्रैक जो मतलब इंडेक्स सर क्या जो स्टाफ है 75% पोजिशन है वो आपको मैं अलग से बता दें तो हमारी कोई वैकेंसी पोजिशन बहुत बड़े नंबर से नहीं है और ट्रैक की सेफ्टी से रिलेटेड देखिए जो भी चीज़ यदि सपोज किसी जगह वैकेंसी होती है तो उस चीज़ को आउटसोर्स करके उस चीज़ को पूरा किया जाता है लेकिन सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ कभी भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। देखिए अभी जब तक स्टेट गवर्नमेंट की पूरी रिपोर्ट और ये सारी चीज़ें निकल के नहीं आती तब तक उसके बारे में कुछ भी करना चाहिए। रेलवे का अपने आउटलुक में कुछ भी निकल के नहीं आया मतलब कितनी बड़ी चीज थी अभी सारी चीज़ें अभी अलूमिनियम है अबैंडन्ड हो चुकी हैं चारों तरफ है मतलब झांसी रूट पर भी लखनऊ रूट पर भी और दिल्ली हावड़ा रूट पर भी वहाँ अवैध लोग होते हैं मतलब आप लोग इन्वेस्टिगेशन भी देख रहे हैं अब तक क्या ऑब्जर्व किया है आप लोगों ने किस तरफ पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जा रही है? क्योंकि आज तो मैं जो भ्रमण है उस विषय में बताना चाहूँगा कि अभी 15 तारीख को ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश के समस्त अधिकारियों के साथ बैठक की थी और उसमें उन्होंने अनुरोध किया था निर्देश दिया था सभी को कि रेलवे की जो ट्रैक सुरक्षा है रेलवे की जो होलिस्टिक सिक्योरिटी है उसमें प्रदेश पुलिस का प्रदेश के जिला प्रशासन का एक महत्वपूर्ण योगदान है और हम अपनी जिम्मेदारियों को रेलवे से समन्वय करते हुए बेहतर ढंग से निभाएँ। उस क्रम में मैं धन्यवाद देना चाहूँगा DRM साहब से जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि कानपुर चूँकि जैसा आप बता रहे हैं कि हाल में दो घटनाएं हुई हैं जिसको लेकर चिंता है उस पर हम लोग काम भी कर रहे हैं उस क्रम में उन्होंने कानपुर को चुना और आज पूरी टीम के साथ रेलवे के जो डिफरेंट विंग्स हैं इंजीनियरिंग विंग है उनका जो उनका RPF है और सिविल पुलिस के हमारे डिफरेंट यूनिट्स हम लोगों ने पूरे एरिया को घूमा है देखा है और समग्र रूप से जो सुरक्षा है उसके दृष्टिकोण से हमें देखने का मौका मिला और एक नया पर्सपेक्टिव भी हम लोगों को कभी इस तरह के अपॉर्चुनिटीज़ कम मिले हैं और उस रेलवे के पर्सपेक्टिव से हम जब इस पूरी चीज़ों को देखा तो एक बेहतर ढंग से इशू को समझ भी आया। एक कॉम्प्लेक्स इशू है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है जिसके लिए हमें एक होलिस्टिक अप्रोच रखना पड़ेगा इसको करने के लिए उसमें कई कॉम्पोनेंट्स होंगे जो हम लोग विचार विमर्श करके उस पर कार्य योजना बनाएंगे। आज एक बैठक और प्रस्तावित है जिसमें जिला प्रशासन भी रहेगा उस पर हम काम करेंगे। दैट इज़ द होल पर्पस जो आज हम लोग आज विजिट किया है ताकि एक बेहतर समन्वय आज के बाद हमें देखने को भी मिलेगा क्योंकि कई यूनिट्स इस काम में लगी हुई हैं और उनके बीच एक अच्छा समन्वय हो ये ज़रूरी है क्योंकि अगर समन्वय नहीं होगा तो प्रॉब्लम्स मल्टीप्लाई होती रहेंगी। बेहतर समय होगा तो जो रिस्क है वो बेटर मिटिगेट करने में हम लोग सफल होंगे। आप जो दो घटनाएं हैं उस पर हम लोग लगातार लगे हुए हैं जैसा कि आप जानते हैं कि इस तरह की घटनाएं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होती है दोनों ही चैलेंजेस हैं दोनों में हम लोग कोई अभी चीज़ें रूल आउट नहीं कर रहे हैं। जहाँ तक कालिंदी का प्रश्न है कालिंदी में ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि उसका जो नियत था वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था कि वो ट्रेन को डैमेज करना चाहता था। उस दृष्टिकोण से हम लोग जो डिफरेंट पॉसिबल एंगल्स हैं जो डिफरेंट क्लूज हैं एविडेंसेस मिले हैं उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। जो साबरमती है वो हमारी इन्वेस्टिगेशन हर एंगल से अभी ओपन रखा हुआ हम लोगों ने और उस पर हम लोग फॉरेंसिक्स को भी भेज रखी है अपने रिपोर्ट्स उसका भी हमारे रिपोर्ट्स अवेटेड है डिटेल रिपोर्ट्स वो आ जाएगी। बाकी जो हमारे देखिए ये मेनली एक समन्वय निरीक्षण था RPF GRP और सिविल पुलिस और रेलवे प्रशासन के बीच में जिसमें हम धन्यवाद अदा करना चाहेंगे CP साहब ने स्वयं इसमें निरीक्षण में भाग लिया और हम लोगों को ने पूरे एरिया को कानपुर के क्षेत्र का निरीक्षण किया है जिससे बाद आगे की स्ट्रेटजी तैयार की जाएगी कि किस प्रकार हम लोगों को जो यहाँ पर सिक्योरिटी से रिलेटेड इशूज़ हैं ट्रैक की उसको हम कैसे मिटिगेट करेंगे। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RTI News 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।